सरकारी आदेश के बाद मध्य प्रदेश में स्कूल खोल दिए गए हैं और 10वीं 12वीं की कक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं, लेकिन नियमित कक्षाओं को लेकर कई जगह दो तरह की स्थिति है। निजी स्कूल की बात करें तो कई जगह निजी स्कूल नहीं खुले, तो कहीं निजी स्कूलों में कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्टूडेंट्स दिखाई नहीं दिए। वहीं सरकारी स्कूल में कम छात्र ही पहुंचे। बता दें कि स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की सहमति पत्र जरूरी होगा। पालक संघ ने स्कूल खोलने का विरोध किया है। फिलहाल स्कूलों में सामूहिक प्रार्थना और खेलकूद पर रोक रहेगी। इस पूरे मामले में अभी तक हालांकि पालकों की तरफ से जरूर ये प्रतिक्रिया सामने आई थी अधिकांश पेरेंट्स की तरफ से कि अभी हम किसी भी तरह से इस पक्ष में नहीं है कि स्कूल खुलें, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कम्युनिटी स्प्रेड की भी बात सामने आई थी। हालांकि अभी इसका रिस्पॉन्स कैसा मिलता है ये ज़रूर देखना होगा। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सैनिटाइज़र, जो भी ज़रूरी एहतियात की सुरक्षा के पैमाने हैं, उसका ख्याल रखना स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होगी। हमारे साथ इस वक्त राज्य अध्यापक संघ के अध्यक्ष जगदीश यादव जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। सबसे पहले नमस्ते। नमस्ते जगदीश जी। 10वीं 12वीं की कक्षाएं आज से नियमित शुरू हो गई हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कई जगह पर तो निजी स्कूल खुले ही नहीं है, और अगर कहीं पर खुले हैं तो कई जगह पर स्टूडेंट्स या फिर पालन ठीक से अभी भी हो नहीं रहा है। आपकी पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा इस पर। सर, स्कूलें इतने लंबे समय से कोरोना काल के लिए कारण बंद है, स्कूलों को अति शीघ्र प्रारंभ कोविड के नियमों के तहत स्कूलों को प्रारंभ कर देना चाहिए, और सरकार जो निर्णय ले रही है तो अविलंब सरकार को स्कूलें चालू करना चाहिए, क्योंकि हर चीज की भरपाई की जा सकती है लेकिन किसी भी कीमत पर शिक्षा की भरपाई नहीं की जा सकती। इसलिए स्कूलें प्रारंभ करना सरकार का निर्णय बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, आप बने रहिए जगदीश जी। हमारे साथ कमल विश्वकर्मा जी भी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, शिक्षक पालक संघ अध्यक्ष हैं वो। कमल जी, आपका भी स्वागत है। आज जिस तरह से 10वीं 12वीं की कक्षाएं शुरू हो गई हैं, हमने देखा पहले कई स्कूलों की तरफ से, निजी स्कूलों की तरफ से भी ये शिकायत आई कि अब उनके पास पैसे नहीं बचे हैं अपने स्कूल के स्टाफ को देने के लिए, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, सरकार को जल्द एक फैसला लेना चाहिए। मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पर। आज से स्कूल तो खुल गए हैं 10वीं 12वीं के, कितने संतुष्ट हैं और क्या मांग रखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि स्कूलों के पास पैसा नहीं है टीचरों को देने के लिए, तो सबसे पहले तो देखिए कि जब भी कोई CBSE से या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जब कोई स्कूल का रजिस्ट्रेशन लिया जाता है या स्कूल प्रारंभ किया जाता है जी, तो उसमें चैरिटी फंड के माध्यम से स्कूल चला जाता है, और स्कूल कोई लाभांश का व्यवसाय नहीं है जी। स्कूल से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक आम नागरिक को लेना है। और लाभ, अब रहा सवाल कोरोना काल में, ये एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी कोरोना काल था, इसमें सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे बिजनेस हो, किसी भी तरह का, इसमें सभी के लिए परेशानियां आ रही हैं जी। तो जिसको इन परेशानियों को देखते हुए निजी स्कूलों को भी विशेष ध्यान देना पड़ेगी, राज्य सरकार को भी देना पड़ेगी, और साथ में अभिभावक गणों को भी ध्यान देना पड़ेगी। आज देखिए बड़ी विडंबना है, आज भारत देश सरकार की शीतकालीन सत्र लगाने के लिए जी, केंद्र सरकार तैयार नहीं है कि हम अपने सांसदों को सुरक्षा नहीं दे सकते कोरोना काल में, ठीक। तो कहीं ना कहीं इसको राज्य सरकार को भी ये गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगा जगदीश जी, आपको क्या लगता है पालक शिक्षक संघ क्या सोचता है इस विषय पर? पालक महासंघ, सॉरी जी, पालक महासंघ जी, क्या क्या राय रखता है? क्या आप भी कोई मांग रखते हैं जी? जब सरकार शिक्षकों को नियमित रूप से विद्यालय खोलने के लिए और मोहल्लों में जाकर मोहल्ला क्लास लगाने की जब सरकार बात कर रही है, तो क्या स्कूल बिल्डिंग ही कोरोना को बढ़ाने का कारण हो सकता है क्या? क्योंकि मोहल्ले में क्लास यदि लगाई जाती है तो वही 5 बच्चों को बुलाकर स्कूल में भी पढ़ाया जा सकता है जी। और ये स्कूलें कोविड गाइडलाइन के नियमों के तहत यदि शुरू की जाती है तो किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी दुनिया खुल चुकी है, केवल स्कूलों में ही कोरोना होगा, और फिर पूरे मध्य प्रदेश का आकलन एक ही तरीके से करना, जिन क्षेत्रों में कोरोना का ज्यादा प्रकोप हो वहाँ के लिए अलग गाइडलाइन हो, ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भी नहीं है, कहीं भी ऐसा कोरोना का ये नहीं होता, उन स्कूलों को खोलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है जिसके कोई भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं, करीब करीब 1200 बच्चे अब तक संक्रमित हो चुके हैं, ऐसे वक्त में क्या स्कूल खोलना सही है? 1200 से अधिक बच्चे अभी तक संक्रमण की चपेट में आ गए। जिन एरियो में कहीं विशेष एरिया है जहां पर कोरोना का अधिक प्रकोप है,
उन क्षेत्रों के लिए सरकार एक अलग से नियम बना सकती है, लेकिन जहां पर कोरोना का बिल्कुल कम प्रभाव है उन क्षेत्रों में स्कूलों को कोविड गाइडलाइन के अनुसार जैसे भी कम बच्चे हो, स्कूल बिल्डिंग पूरे खाली पड़े हैं, कम बच्चों को बुलाया जा सकता है, जब शिक्षक जा रहा है और मोहल्लों में क्लासें यदि लग सकती है तो क्या वो बिल्डिंग कोरोना बढ़ा रहा है क्या? ठीक, चलिए फिलहाल मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे साथ जगदीश यादव जी जुड़े, राज्य अध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ कमल विश्वकर्मा जी जुड़े। हालांकि दोनों की राय अलग अलग है, लेकिन एक तरफ जहां सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ऐसे वक्त में सरकार ने जो फैसला लिया, 10वीं 12वीं की कक्षाएं आज से शुरू कर दी गई हैं, इस पर एक तरफ तो पालकों का अपना स्टैंड है, पालकों की अपनी राय है, और दूसरी तरफ सरकार की अपना राय है, सरकार का भी स्टैंड है, लेकिन कुल मिलाकर ये एक बड़ा गंभीर विषय है। और दूसरी तरफ पालकों का, प्राइवेट स्कूलों का जरूर ये कहना है कि जब सब कुछ खुल चुका है तो फिर प्राइवेट स्कूल्स क्यों नहीं खुल रहे हैं। हालांकि निजी स्कूलों को लेकर, प्राइवेट स्कूलों को लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है, सरकारी स्कूल जरूर कुछ खुल गए लेकिन वहां भी बच्चों की संख्या अभी इतनी खास नजर नहीं आ रही है।